हेलो दोस्तों, ऐसी वीडियोस आप भी बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं। और इसके लिए सबसे पहले आपको चाहिए एक ऐप जिसका नाम है फोटोलीप, और उसके साथ ही कैपकट और वीपीएन। फोटोलीप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से आप इसे डाउनलोड कर लेना। और उसके बाद कोई भी वीपीएन आप डाउनलोड कर लो, साथ ही कैपकट, ये भी आपको मेरे टेलीग्राम से मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब आपको फोटोलीप ओपन करनी है, इसमें आप लॉगिन कर लेना। और इसमें आपको यहाँ पर AI सीन्स वाली फीचर मिल जाएगी, यहाँ पर अपनी पिक को ऐड कर लो। और यहाँ पर जो ये वाला फैक्ट आपको देखने को मिलेगा, इस पर क्लिक कर देना। और देखो, हॉरर वाली जो फोटो है वो बन जाएगी। अब इसे सेव कर लो, और आपको सेम यही प्रोसेस फॉलो करके अपनी 5 पिक्स को ऐसे कन्वर्ट कर देना है। इसे स्वाइप करो, जो फोटो है ना इसे सेव कर लो। और ऐसे ही करके अपनी 5 फोटो को सेव करने के बाद पहले आप VPN कनेक्ट कर लेना, उसके बाद कैपकट ओपन करके यहाँ पर जो फोटो आपने कन्वर्ट की है उन्हें और जो नॉर्मल फोटो है ना दोनों को सिलेक्ट कर लेना। मैं करके दिखाता हूँ, देखो पहले नॉर्मल फ़ोटो, फिर कन्वर्टेड वाली, फिर नॉर्मल, फिर कन्वर्टेड, ऐसे ही करके टोटल 10 पिक्स हो जाएंगी। और मैं भी ऐड कर देता हूँ, नेक्स्ट। फोटोज़ ऐड हो जाने के बाद अब आपको इसमें ऐड साउंड करना है, तो ये भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसे डाउनलोड कर लेना। अब बीट के अकॉर्डिंग जो हमारी पिक्स है ना इन्हें हम एडजस्ट करेंगे, मैं करके दिखाता हूँ। देखो जहाँ पर बीट आ रही है ना वहीं से इसे ट्रिम कर देंगे। आप 2-3 बार करके देखोगे ना बहुत आसानी से कर पाओगे, बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, ऐसे करने के बाद अब जो ये पिक्स है ना, कुछ पिक्स का साइज कम है तो इस पर क्लिक करके ऐसे जूम कर देना। और हाँ, उससे पहले ना आपको स्क्रीन का जो रेशो है ना, इंस्टा वाला रेशो, यहाँ से सिलेक्ट कर लेना। और सारे पिक का जो साइज है इसे सही कर दो, ऐसे जूम कर दो। मैं भी जल्दी से सारे जो पिक्स हैं इनको जूम कर देता हूँ, उसके बाद हम इसमें इफेक्ट ऐड करेंगे, ठीक है। और इसके बाद इफेक्ट्स में यहाँ पर वीडियो इफेक्ट्स और नाइट क्लब वाले सेक्शन में आपको शेक वाला इफेक्ट मिल जाएगा, इसे सिलेक्ट करना। और इसे एडजस्ट करके ना इसकी स्पीड और इंटेंसिटी को आप कम कर दो। हमारी जितनी भी क्लिप्स हैं ना उनमें से हाफ क्लिप पर हम ये इफेक्ट लगाएंगे, तो इसे आप कॉपी कर दो। और ये देखो इसका डुप्लीकेट बन गया, अब इसे दूसरी क्लिप पर भी लगा दो, ठीक है। फिर कॉपी करके एक क्लिप छोड़कर फिर उससे अगली क्लिप के ऊपर इसको लगा, फिर से इस पर क्लिक करो, इसे कॉपी कर दो और एक क्लिप छोड़ने के बाद इस इफेक्ट को फिर लगा दो। देखो फिर कॉपी और एक क्लिप छोड़ के फिर इफेक्ट आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम फाइनल इफेक्ट ऐड करेंगे, तो वीडियो इफेक्ट्स में और यहाँ पर ओपन एंड क्लोजिंग वाले में एक इफेक्ट हमें मिलेगा, ओपनिंग एंड क्लोजिंग, और इसे स्वाइप करो। ये देखो टीवी ऑन वाला इफेक्ट यहाँ से लगा दो, और जैसे अपने इंट्रो में देखी थी ना वैसे ही वीडियो बन जाएगी, ये देखो, ठीक है। अब इसे यहाँ से आप सेव कर देना, और उसके बाद आप इसे इंस्टा जहाँ चाहें अपलोड कर सकते हैं। और दोस्तों, मेरे चैनल पर आपको वीडियो एडिटिंग से रिलेटेड ट्यूटोरियल देखने को मिलेंगे। अगर आप ऐसी वीडियोस में इंटरेस्टेड हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।